उजुमाकी का एपिसोड 4 भी आ चुका है और मैंने अभी रिसेंट पे देखा है, तो अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें भी वही कंटिन्यू होता है जो पहले होता आ रहा था। व्हाट वुड आई से, आई डोंट नो अबाउट दिस एपिसोड 4, क्योंकि वही चीज़ें कंटिन्यू होती आ रही है जो अभी तक हो रही थी। मतलब जो सफरिंग चालू है वो अभी भी चालू है, जो लोग स्पाइरल्स में कन्वर्ट होते जा रहे थे वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं, स्नेल पीपल और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और भी लोग मरते जा रहे हैं, जैसे कीरी थी उसकी। अब माँ बाप भी जो तूफान वगैरह टाइफून्स वगैरह बन रहे थे उनमें फंस के मर चुके हैं, पता नहीं खो चुके हैं, और ये सब चलता जा रहा है। अब शुईची और कीरी ने भी लगभग को छोड़ दी है। एक पता नहीं एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक रिपोर्टर बाहर से आती है, वो भी वहाँ फंस जाती है, कुछ देर के लिए आती है, फिर वो भी वहीं जाके मर जाती है। उसका कोई सेंस निकल रहा नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। एनिमेशन की क्वालिटी वैसी ही कंसिस्टेंट रहती है जैसे दूसरी तीसरे में थी, वैसा सा ही है। और इसका फिनाले भी, मतलब जो एंडिंग थी, मुझे मतलब सेटिस्फाइंग लगी नहीं, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंटली निकाल देते कि ये चलता आ रहा है सालों से। हर बार हर सेंचुरी एक लूप पूरा होता है, बाद में ये शहर जो ये कर्स है पूरा का पूरा स्पाइरल का, ये कैंट पे आता है और फिर से लोग पैसे के वैसे रहने लग जाते हैं, फिर ये अगली सेंचुरी में ऐसा ही होने वाला है, ये सब वापस लूप में होगा। जो ये कहानी ख़त्म होगी वहीं से दूसरी चालू हो जाएगी, जो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन बोलूँ उसको, जो उसमें दिखाया भी गया है कि सातोशी और ईरी नाम के दो कैरेक्टर्स हैं जो कि वैसा ही साउंड कर रहे हैं जैसे ये दोनों ईरी कीरी और शुईची कर रहे थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आप बस बता दो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो जिसके पास अपनी विल है जो कि पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ की बैक स्टोरी तो बताओ कम से कम। मतलब कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से क्या चालू हुआ, इसकी स्टोरी क्या है एक्चुअल, ये किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके इंटेंशन क्या थे, किस तरीके से काम करता है, जस्ट एक कर्स है क्यों है, नोबडी नोज। मैंने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी, क्या पता मांगा भी हूँ, मांगा पढ़ूंगा बाद में अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इस शो के लिए ये सिर्फ इतना ही था। मतलब तुम्हें सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा, फिर भी तुम्हें देखना है कुछ अलग सा तो ये देख सकते हो। मुझे ठीक ठाक ही लगा, एक बार देख लिया बस इतना ही है। एंड दैट वाज इट फॉर द उज़ुमाकी शो स्पायरल इनटू द हॉरर्स। मांगा पढ़ूंगा, क्या पता ज़्यादा मज़ा है। एक्चुअली एक चीज़ और बतानी, क्योंकि ये जो लास्ट में दो कैरेक्टर्स थे जो रीन कार्नेशन बोल रहे हैं लोग इसको, ये दो शायद मांगा में है भी नहीं, ये अपने आप ये दो नए कैरेक्टर इन्होंने बना दिए शो के लिए। सो आई डोंट नो व्हाट आर दे गोना डू विद दीस कैरेक्टर्स नाउ। इसका सीजन 2 आएगा क्या, किसी को बताया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।